हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमस्कार है गाइस। यहाँ पर आज की रीडिंग है कि दुर्गा माँ आपके लिए क्या सोच रखी हैं, आपसे क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो आपको सुनना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके लिए आपके जीवन में क्या अच्छा आ रहा है और आप कैसे क्या कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर दो ऑप्शन रखे हैं, एक एकाक्षी नारियल और दूसरा छोटा एकाक्षी नारियल। यहाँ पे देखिए जो आपको अच्छा लगता है, जो अट्रैक्ट करता है, माता जी का नाम लीजिए, फिर एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या माता जी संदेश देना चाहती हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आप वृद्धि और विकास करते रहिए गाइस। यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकलकर गाइडेंस आ रहा है माता जी की तरफ से। अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस, गाइडेंस की ही बात हो रही है गाइड और गाइडेंस ही आ गया, एक्सपीरियंस। द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं गाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ है, आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने को नियंत्रण करने की ज़रूरत है। यानी आपका मन जो है एकाग्र नहीं है, आपके मन में बहुत ही ज़्यादा चंचलता है, क्योंकि मून का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा जो है वो वीक है, उसको आप मजबूत करेंगे, उस पर आप नियंत्रण करेंगे या आप मेडिटेट करेंगे, तब जाके आपके मन पर नियंत्रण होगा, आपका अपने आप के ऊपर नियंत्रण होगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और ये भी आपके लिए संदेश है कि आप अगर के पास कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, या आप उसके लिए बहुत ही परेशान थे, नहीं मिल रहा था, वो भी आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको मिलने वाला है। और आपका जो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके जीवन में एक कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू शुरुआत होने वाली है, आपके जीवन में पैसे की बरसात भी होने वाली है, यानी आपके जीवन में सुख समृद्धि संपत्ति सब आ रही है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने थोड़ा सा पैसे को कमाने में अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर देते हैं, हार्ड वर्क कर देते हैं, तो आपके लाइफ में पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, संपदा है, सुख है, भौतिक सुख है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। और गाइडेंस आपके लिए गाइस ये बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा समझदारी से काम करना होगा, अपनी योजनाओं को अच्छे से बना के उस पर कार्य करना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया दोस्तों, तो गाइडेंस का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ जो है वो कोई ना कोई आपको गाइडेंस दे सकता है, यानी आप जिस ईश्वर पे विश्वास रखते हैं वो गाइडेंस आपके लिए सही राह बता सकता है, या ड्रीम के थ्रू, या कोई गुरु के थ्रू, यानी या एंजल के थ्रू, कोई ऐसा आपको द्वारा मिलेगा, यानी किसी किसी के थ्रू आपको ज़रूर कोई ऐसा गाइडेंस मिलेगा, आपको आदेश मिलेगा जो आपके लिए ज़्यादा विकास वृद्धि हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी मिरेकल की तरह, अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो एंजल के द्वारा हो सकती हैं, गॉड के द्वारा हो सकती हैं, ईश्वर के द्वारा हो सकती हैं, जिससे आपको सही राह मिले, सही जगह मिले। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का कार्ड आया, गाइडेंस आपको ये दिया जा रहा है गाइस कि आपको हर तरह का अनुभव प्राप्त होगा जीवन में, अच्छा भी प्राप्त होगा और थोड़ा ख़राब भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड आया है। तो यहाँ पे बोलते हैं मन के जीते जीत होता है और मन के हारे हार होता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मन से हार चुके हैं, यानी अपने आप को बहुत ही
यहाँ पे आप अपने मन के द्वारा परेशान हैं, आपका मन जो है बहुत ही चंचल है, एकाग्र नहीं है, वो कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप बड़ों का कहना मानिए, अपने एंजल का, अपने गॉड का, अपने इनर वॉइस का। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो माँ देवी बोल रही हैं आपको ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि और अबंडेंस भरा हुआ है। थोड़ा सा आप कठोर मेहनत कर देंगे तो आप और थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल कर लेंगे, मन को नियंत्रित कर लेंगे तो आपकी चांदी ही चांदी है और आपको सुख दुख का एक्सपीरियंस मिल ही रहा है गाइज यहाँ पर, तो उसको अनुभव करते हुए आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दुर्गा माँ का संदेश है और आदेश भी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने मन में एकाग्रता लानी पड़ेगी। यहाँ पे आपका चंद्रमा कमज़ोर है गाइस, तो इसको मजबूत करने के लिए आप वाइट चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए और आपको सही रास्ता मिले, सही गाइडेंस मिले यहाँ पर। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या माता जी गाइडेंस दे रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं आपके लिए। नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स और गाइडेंस भी देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। अबंडेंस, दोनों कार्ड एक साथ है, नाइन ऑफ कप और अबंडेंस दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं, द बर्डन। पोस्टमैन का कार्ड आया गाइज यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा भार है, बर्डन है, आप अपने उद्देश्यों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं गाइज। सेकंड ऑप्शन, आप बहुत चिंतित हैं, आप कोई भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका कार्य नहीं ठीक से चल पा रहा है, आपका जो योजनाएं हैं वो ठीक से नहीं सक्सेस हो पा रही हैं। द बर्डन का कार्ड आया और फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो आपका जो लव लाइफ है वो भी ठीक नहीं चल रहा है, आपका वर्क भी है, आपका जो आर्थिक स्थिति है, आपका व्यवसाय है वो भी ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे देवी माँ बोल रही हैं। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा उदास और चिंतित मत रहिए, क्योंकि हर दुख के बाद सुख जरूर आता है गाइज, क्योंकि आप अबंडेंस का कार्ड आया और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो ये दोनों कार्ड अबंडेंस को, सुख समृद्धि को दर्शाते हैं। तो किस बात को आप लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, उसको चिंता को छोड़ दीजिए, परेशानी को छोड़ दीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उसका अच्छा फल मिलेगा आपको, उसका रिजल्ट जो है अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आपके जीवन में सुख समृद्धि संपत्ति सारी लिखी हुई है गाइस, यहाँ पे देवी माँ बोल रही हैं आपके लिए। तो आप अपने मेहनत से अपने किस्मत को, अपने भाग्य को जरूर बदलेंगे और आपके जीवन में अबंडेंस ही है, सुख समृद्धि है, संपत्ति है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही है यहाँ पर। और एक और बात बोल रही हैं कि जिस प्रकार आपके जीवन में दुख आया है, वो दुख का जो बादल है वो छट जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, क्योंकि इस कार्ड में देखिए चारों तरफ अंधेरा है, आपके आगे पीछे कोई नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा था पास्ट लाइफ में, लेकिन आप अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से अपने चिंताओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, ज्वाय आएगा, सुख समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी, क्योंकि आप अपने बर्डन से बाहर आ जाएंगे, अपने दुखों से, कठिनाइयों से आप बाहर आ जाने वाले हैं और आपके लाइफ में सेकंड ऑप्शन ढेर सारा अबंडेंस आने वाला है, सुख समृद्धि संपत्ति आने वाली है और आपके लाइफ में खुशियों का भंडार आएगा, पैसे का भंडार आएगा, प्यार का, स्नेह का, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने वाली है। तभी देवी माँ यहाँ पे बोल रही हैं कि आप पास्ट लाइफ की बातों को छोड़िए, यानी अपने कठिनाइयों को, परेशानियों को, अपने बर्डन को
छोड़कर आगे बढ़ेंगे तब आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि है गाइज यहाँ पर, और आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपने मेहनत का फल मिलने वाला है। जो पहले नहीं मिलता था उससे दुगुना तिगुना फल आपको मिलेगा, और आपकी लाइफ जो है सही ट्रैक पे चलेगी, सही रास्ते पर चलेगी। यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है गाइज कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा भार महसूस मत करिए, अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, या लोन का टेंशन हो या कोई भी मानसिक शारीरिक कोई भी आपको परेशानी हो उसका बर्डन अपने आप के ऊपर मत लीजिए, क्योंकि आप हार्ड वर्क पर्सन हैं, आप हार्ड वर्क करते जाइए, उसका फल ज़रूर यहाँ पे माँ दुर्गा देंगी आपके लिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। यहाँ पे देखिए सूरज और चांद दोनों का फिगर आया, तो आपको यूनिवर्स का यानी ये देवी माँ का स्वयं ब्लेस प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है गाइज। यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है सेकंड ऑप्शन कि थोड़ा सा आप अपने उद्देश्यों पर सही ध्यान दें, सही उद्देश्यों को चुने, सही चीज़ों को अपने लिए चुनेंगे तो आपको उतना चिंता उतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास्ट लाइफ के बातों को अपने अंधेरों को अपने दुख को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए, मेहनत करिएंगे तो आपके लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, सक्सेस है गाइज। अगर ये फाइल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं गाइज़।